नमस्कार, आपको देखिए मैं आपका स्वागत है। मैं हूँ महेंद्र झा। ये आज मैं रेलवे क्रॉसिंग पे खड़ा हूँ और यह बाजपति कौन कहा था कौन नंबर बाजपति आदिपुर आदिपुर। अच्छा अच्छा, तो वहाँ के लोग यहाँ पर खड़े हैं और पहले जो है यहाँ पर रेलवे गुमटी के लिए जैसे इन्होंने जैसे आवेदन दिए हुए हैं रेलवे में, लेकिन अभी तक नहीं तैयार हुआ है, जिसके कारण से यहाँ पर प्रतिदिन हमेशा जो है कोई ना कोई ऐसे माल जाल कट रहा है। कहीं कभी बच्चे मर रहे हैं तो कभी माल जाल मर रहा है और लोगों को काफी परेशानी हो रही है। और सामने इस पार में मस्जिद है और मदरसा है और साथ में इस पार में जैसे मिडिल स्कूल है, तो अब बच्चे को तो आना जाना बहुत ही जरूरी है। और इसमें क्या होता है कि बहुत जरूरी होते हुए भी आज जो है रेलवे को जो है दिया गया है यहाँ पर फाटक के लिए, लेकिन अभी तक ये सुनवाई नहीं की है। ये लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, इन लोगों से हम बात करते हैं और इन लोगों से पूछते हैं कि क्या आप लोग कह रहे हैं, बताइए आप लोग क्या नाम हुआ? मोहम्मद महफूज। मोहम्मद महफूज नाम है। हम बाजपति मोहम्मद अनिल से हैं। अच्छा, मोहम्मद अजीम। अरे जोर से बोलना। मोहम्मद फजलुर रहमान। फजलुर रहमान। मोहम्मद पहला नंबर। मोहम्मद रफीक अंसारी। रफीक अंसारी। मोहम्मद इरशाद। आपका? मोहम्मद सऊद आलम। शकील अहमद। ये सारे लोग जो है उपस्थित है और सब लोगों को जितने भी समाज के लोग हैं, जितने भी लोग हैं, ये गार्जियन रूप में आगे आना, यह गार्जियन रूप में है। और इन लोगों को बच्चे को आने जाने में परेशानी है, इन लोगों को भी आने जाने में परेशानी है और इनके माल जाल का भी ऐसे परेशानी है। और यहाँ पर देखा जा रहा है, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर हम यह देख रहे हैं कि इधर से आपको जो है रोड आ रही है बिहार सरकार की। ये रोड बिहार सरकार की आ रही है इधर से और यहाँ पर रेलवे पार करके ये सामने आपको दिखाया जा रहा है। यहाँ पर ये सामने रेलवे पार करने के बाद यहाँ पर मस्जिद है। हम यहाँ पर मस्जिद के पास खड़े हैं। ये मस्जिद है, ये रोड जा रहा है और यह रोड जो है से जा रहा है बहुत परेशानी होता है ना, सब लोग बच्चे को जैसे बहुत ज्यादा परेशानी होता है। बच्चे लोग पढ़ने वाले सब है। मिनी ब्लॉक भी आगे, आगे मेन ब्लॉक भी है जी। मिनी ब्लॉक भी यहाँ पर आगे जैसे उस पार में पड़ता है। आगे का रास्ता भी यही से गुजर रहा है और आगे का रास्ता भी बता रहे हैं यहाँ से। बोलिए तो आगे का बर्मन का रास्ता भी, दो तीन गाँव का रास्ता भी यही रोड से पड़ रहा है। सख्त जरूरत है, इसलिए यहाँ पर वो सख्त माने जितना जल्दी हो सके यहाँ पर घूमनी चाहिए। इनका कहना है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ पर घूमनी चाहिए और रेलवे जो है अभी तक जो है हमारी आवेदन को सुनवाई नहीं की है, इसलिए पुनः जितना जल्द हो सके वो आज से रेलवे को विनती किया जाता है, अनुरोध किया जाता है कि हम लोगों को यह बचाव के लिए यहाँ पर घूमती देना अति आवश्यक है और बहुत ही जरूरी है। इन्हीं शब्दों के साथ आप पूछे आए, आप कुछ कहना चाहेंगे क्या?
हम तो ये कहना चाहेंगे कि हम लोग कोशिश में लगे हुए हैं कि यहाँ पे कैसे भी करके घूमने का इंतजाम किया जाए, क्योंकि इतना बच्चा है जो जाने में आने में बहुत परेशानी होती है, चले ना जाता है तो हम लोग को यहाँ पे खड़ा होना पड़ता है स्कूल पर ज्यादा पढ़ने के लिए, और ऐसे तो 2 किलोमीटर चालू रहता है रास्ता, पार करने में बहुत परेशानी होता है, मैयत को ले जाइए चाहे मतलब के बाद कोई मरीजी है उसको ले जाइए, ये बाजू से वो बाजू जाने के लिए तो परेशानी का सामना करना पड़ता है, या तो खाद का इंतजाम करके पार करो क्योंकि गाड़ी तो पास होता नहीं है, तो एम्बुलेंस भी नहीं आ सकता है, तो ऐसा कुछ इंतजाम हो जिससे एम्बुलेंस भी गांव तक आ जाए, है ना, इसके लिए हम लोग कागज का निवेदन दिए हुए हैं, गए थे तो गए थे, उसके बाद में लेटर जो होता है वो चारों ऑफिस में भेजे हैं, समस्तीपुर हाजीपुर और दरभंगा लेटर भी भेजे हैं, हो गया हाँ, और दरभंगा जैसे हम ठीक है, ये जितना जल्दी हो कि आकर के जांच भी कर लिया जाए और उसके बाद में हम लोग का जो अच्छा रास्ता खड़े यहाँ पे है ना, तो रास्ता निकलवाइए आप लोग भी, ठीक है। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत सारे जैसे इनको कष्ट तकलीफ है इन लोगों को, अगर लेडीज लोग अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं, क्या नाम है? फैजा खातून, रास्ता आपको जाने के लिए बताइए में आजा इधर आ जाओ, अच्छा उसका रिकॉर्डिंग ब्लूटूथ लगा हुआ है। चलिए इन लोगों को जैसे काफी जैसे इन लोगों को जैसे परेशानी हो रही है, इस परेशानी को जैसे सामना जैसे रेलवे से अनुरोध है कि जितना जल्दी हो सके बच्चे लोगों को और माल जाल को सारी समस्या को समाधान करने के लिए, या जैसे जितना जल्दी हो सके बनवा दिया जाए।